A Haunting in Venice. Film Samiksha. A Haunting in Venice एक 2023 अमेरिकी रहस्य फिल्म है जो माइकल ग्रीन की पटकथा से केनेथ ब्रानक द्वारा निर्मित और निर्देशित है, जो 1969 के अगाथा क्रिस्टी उपन्यास हैलोवीन पार्टी पर आधारित है। यह डेथ ऑन द नाइल की अगली कड़ी के रूप में काम करती है, जो 2022 में रिलीज हुई थी, और यह तीसरी फिल्म है जिसमें ब्रानग ने बेल्जियम के जासूस हरक्यूल पोयरोट के रूप में अपनी भूमिका दोहराई है। फिल्मी सितारों में काइल एलन, केमिली कॉटिन, जेमी डोरनन, टीना फे, जूड हिल, अली खान, एम्मा लेयर्ड, केली रेली, रिकार्डो स्कैमर्सियो और मिशेल येओ शामिल हैं। ए हॉन्टिंग इन वेनिस को संयुक्त राज्य अमेरिका में 15 सितंबर 2023 को 20वीं सेंचुरी स्टूडियो द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म को इसके प्रोडक्शन डिजाइन, प्रदर्शन और ब्रानग के निर्देशन के लिए आलोचकों से आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और यह दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 1947 में हरक्यूल पोयरोट सेवानिवृत्त होकर वेनिस में रहते हैं। उन्होंने पूर्व पुलिस अधिकारी विटाले पोर्टफोलियो को अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया। हैलोवीन पर रहस्य लेखक एराड ने ओलिवर पोरोट को एक हैलोवीन पार्टी में भाग लेने और प्रसिद्ध ओपेरा गायिका रोवेना ड्रेक के महल में नृत्य करने के लिए मना लेते हैं और प्रथम विश्व युद्ध में सेना की नर्स बनी जॉयस रेनॉल्ड्स को धोखेबाज के रूप में उजागर करते हैं। दावा किया जाता है कि महल में उन बच्चों की आत्माएं रहती हैं। जब महल एक अनाथालय था, जब शहर में प्लेग फैल गया तो उन्हें बंद कर दिया गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया। ऐसी अफवाहें थीं कि आत्माएं किसी भी नर्स और डॉक्टरों को पीड़ा देती हैं जो ऐसा करने की हिम्मत करते हैं। रोवेना ने अपनी बेटी एलिसिया के साथ कम्यून में मदद करने के लिए जॉयस को काम पर रखा है, जो कथित तौर पर अपने मंगेतर शेफ मैक्सिम जेराड द्वारा सगाई तोड़ने के बाद आत्महत्या करके मर गई थी। उपस्थित मेहमानों में मैक्सिम, रोवेना की हाउसकीपर ओल्गा सेमिनॉफ, ड्रेक परिवार के डॉक्टर लेस्ली फेरियर और उनके बेटे लियोपोल्ड और जॉयस की रोमानी सहायक डेस्डेमोना हॉलैंड शामिल हैं। सत्र के दौरान पोयरोट ने निष्कर्ष निकाला कि जॉयस के पास दो सहायक हैं, जिससे डेस्डेमोना के सौतेले भाई निकोलस के चिमनी में छिपे होने का पता चलता है। जॉयस अचानक एलिसिया की आवाज में बोलती है और बताती है कि उसकी हत्या मेहमानों में से एक ने की थी। पोयरोट जॉयस का सामना करने का प्रयास करती है, जो उसे हल्का होने के लिए कहती है और उसे अपना मुखौटा और वस्त्र देती है। एक अज्ञात हमलावर द्वारा पोयरोट को लगभग डुबाने के कुछ ही सेकंड बाद, जब वह सेब तोड़ रहा था, जॉयस को आंगन में एक मूर्ति पर लटका हुआ पाया गया। तूफान के कारण महल कट गया। पोयरोट मेहमानों का साक्षात्कार लेता है, जिसके दौरान वह एलिसिया के भूत की अभिव्यक्तियां देखता है और एक युवा लड़की को एक धुन गुनगुनाते हुए सुनता है। जांच से हैरान करने वाले नतीजे सामने आए। लेस्ली बर्गनबेल्सन एकाग्रता शिविर की मुक्ति के अपने अनुभवों से गंभीर रूप से आहत होकर रोवेना से प्यार करता है। मैक्सिम, जिसे शुरू में आमंत्रित नहीं किया गया था, ने अपनी सगाई तोड़ दी क्योंकि रोवेना ने उसे स्वीकार नहीं किया था और एलिसिया को अपनी मां को खुश रखने का जुनून सवार था। निकोलस और डेस्डेमोना जॉयस से चोरी कर रहे हैं और सेंट लुइस, मिसौरी की यात्रा के लिए पैसे का उपयोग करने का इरादा रखते हैं, जो कि विस्थापित व्यक्तियों के शिविर में सेंट लुइस में मीट मी का आधा हिस्सा देखने के बाद उन्हें पसंद आया। लियोपोल्ड बच्चों की आत्माओं की आवाजें सुनने का दावा करता है। ये वही आवाजें हैं जो पोयरोट तब से सुन रहा था जब वह लगभग डूब गया था। जब मेहमान एक भूमिगत कक्ष में आते हैं जिसमें मृत बच्चों के कंकाल के अवशेष हैं, तो लेस्ली को घबराहट का दौरा पड़ता है और वह मैक्सिमे को लगभग मार डालता है। उसे ठीक होने के लिए संगीत कक्ष के अंदर बंद कर दिया गया है। रोवेना ने पोरोट को एकमात्र चाबी दी है। मैक्सिम के निमंत्रण की जांच करने के बाद पोयरोट ने अनुमान लगाया कि एराडने ने इसे भेजा है
और वह विटाले के साथ साजिश रच रहा है। विटाले, जिन्होंने एलिसिया की मौत की जांच की और मामले के परिणामस्वरूप पुलिस से इस्तीफा दे दिया, ने जॉयस को निजी विवरण दिए, जबकि एराडने ने आशा की थी कि वह अपनी अगली पुस्तक के लिए एक कथानक के रूप में अलौकिक को समझाने में पोयरोट की असमर्थता का उपयोग करेगी। इसके बाद लेस्ली को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। शेष मेहमानों को एक साथ इकट्ठा करके पोयरोट ने खुलासा किया कि रोवेना ही हत्यारी है। एलिसिया को अपने तक ही सीमित रखने के जुनून में उसने यह जानने के बाद कि वे मिलमिलाप करने की योजना बना रहे हैं, मैक्सिम के साथ उसका संपर्क काट दिया और फिर एलिसिया को कमजोर करने और फिर उसकी देखभाल करने के लिए रोडोडेंड्रोन से निकाले गए जहरीले मतिभ्रमकारी शहद की थोड़ी मात्रा का इस्तेमाल किया। वही शहद संभवतः पोयरोट के दर्शन का कारण था। एक रात ओल्गा ने अनजाने में एलिसिया को घातक खुराक वाली चाय दे दी। उजागर होने के डर से रोवेना ने एलिसिया की आत्महत्या का नाटक रचा। जब उसे ब्लैकमेल की धमकियां मिलनी शुरू हुई तो रोवेना को जॉयस या लेस्ली पर संदेह हुआ। उसने पोयरोट को डुबाने का प्रयास किया। उसे एहसास हुआ कि उसने उसे जॉयस समझ लिया था और फिर उसने जॉयस को मौत के मुंह में धकेल दिया। बाद में पलाजो की आंतरिक फोन लाइन पर उसने लियोपोल्ड को मारने की धमकी देकर लेस्ली को खुद को चाकू मारने के लिए मजबूर किया। उसे आशा थी कि वह दोनों मौतों को बच्चों के अभिशाप का हिस्सा मान लेगी। जब पोयरोट छत पर रोवेना का सामना करता है तो एलिसिया का भूत उन दोनों को दिखाई देता है। रोवेना को इमारत से नीचे खींचकर नहर में ले जाता है जहां वह डूब जाती है। जैसे ही सुबह हुई पोयरोट ने एराडने से नाता तोड़ लिया। विटाले को बर्खास्त नहीं करने या सत्र में उसकी भागीदारी को उजागर नहीं करने का फैसला किया और लियोपोल्ड को ब्लैकमेलर के रूप में निजी तौर पर उजागर किया। लियोपोल्ड बताते हैं कि उन्होंने अपने पिता द्वारा छोड़े गए जहर के संकेतों को समझा। रोवेना की पहली अभिनीत भूमिका एक ओपेरा में थी जिसका मुख्य किरदार जहर का राजा था। यह महसूस करने के बाद उन्होंने संबंध बनाया। पोयरोट का सुझाव है कि लियोपोल्ड और ओल्गा हॉलैंड वासियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नया जीवन शुरू करने में मदद करने के लिए पैसे का उपयोग करके अपने विवेक को साफ करें। पोयरोट फिर नए मामलों को स्वीकार करने के लिए घर लौटता है।